हेलो दोस्तों, जिस तरीके से आपको पता है कि राउंड टू काउंसलिंग जो है एमसीसी का कंप्लीट हो चुका है, अलॉटमेंट हो चुका है, रिपोर्टिंग हो चुकी है और जो वैकेंट सीट थी वो सारी की सारी किसको भेज दी गई है, स्टेट को भेज दी गई है। जो भी स्टेट के अंदर जितनी भी सीट खाली है वो सारों पकड़ लीजिए आप लोग और आपकी स्टेट की अथॉरिटी को बोलो कि उनको काउंसलिंग करवाए। तो सबसे बड़ा एक क्वेश्चन जो मेरे पास में आ रहा था कि सर वो जो वैकेंट सीट ट्रांसफर हुई है उन सीट्स को क्या ओनली जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट फील करेंगे क्या? तो नहीं। तो जैसे स्टेट काउंसलिंग अपनी सीट के ऊपर जो रिजर्वेशन कैटेगरीज अप्लाई करती है, सेम उसी तरीके से इन ट्रांसफर सीट्स के ऊपर भी रिजर्वेशन कैटेगरी अप्लाई होगी। ओके, अब हम देखते हैं कि स्टेट वाइज जो 30 स्टेट्स हैं, टोटल 30 स्टेट्स को ट्रांसफर हुई है सीट्स, तो हर स्टेट में कितनी सीट एमबीबीएस की ट्रांसफर हुई है और दूसरा कितने नंबर ऑफ कॉलेजेस के अंदर ये सीट है, उसके लिए मैंने स्लाइड प्रिपेयर किया, आप एक बार देख लीजिए, सरसरी निगाहों से उसको देख लीजिएगा। ओके, तो ये देखिए हर स्लाइड के अंदर 10 स्टेट मैंने मेंशन किए हैं। ऐसे टोटल आप देखेंगे तो आपको इजीली 30 स्टेट्स की स्लाइड्स आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये हैं स्टेट्स और ये हैं उनके रिवर्टेड सीट्स या हम कहें ट्रांसफर्ड सीट्स जो है वो उनका नंबर है। ब्रैकेट के अंदर जो है वो नंबर ऑफ कॉलेजेस है। जैसे कि आप देख लीजिए आंध्र प्रदेश के अंदर टोटल 81 सीट्स ट्रांसफर हुई है और वो 12 कॉलेजेस के अंदर ट्रांसफर हुई है। अब अगर आप कहेंगे कि सर वो 12 कॉलेजेस का लिस्ट क्या है, वो कॉलेजेस कौन से हैं, तो आप एमसीसी की साइट के ऊपर जाएंगे तो आपको इजीली वहां से उनको डाउनलोड करके देख सकते हैं कि आंध्र प्रदेश के अंदर ये जो 12 कॉलेजेस हैं वो कौन से हैं और ईच कॉलेज में वो 81 सीट्स में से हर कॉलेज में कितनी कितनी सीट्स जो है वो यहां से गई है। जैसे कि आप मैं आपको दिखाऊं एक्सेल शीट के अंदर, तो यहां आप इजीली देख पाएंगे कि ये जैसे ये एक्सेल शीट है, जैसे आप देखें आंध्र प्रदेश के अंदर टोटल, आंध्र प्रदेश के अंदर ये जो मेडिकल कॉलेजेस हैं, इन मेडिकल कॉलेजेस में ईच मेडिकल कॉलेजेस में कितनी सीट है। जैसे आप नेल्लोर के कॉलेज में देखेंगे तो 17 है, विशाखापट्टनम के कॉलेज में देखेंगे तो 6 सीट्स गई हुई हैं। इस तरीके से कॉलेज वाइज भी आप देख सकते हैं, एमसीसी की साइट पर जाइए और वहां से डाउनलोड करके देख लीजिए। ओके, तो आपको एक बड़ा बड़ा आइडिया हो जाएगा कि सर टोटल सीट्स कितनी गई हैं। 1730 एमबीबीएस की सीट्स जो है वो राउंड टू से हट करके स्टेट को चली गई है। ओके, तो देखिए यहां पे तो सेकंड स्लाइड के अंदर ये स्टेट्स आ चुके हैं, इनको आप देख सकते हैं कि सर किसमें सबसे ज्यादा सीट्स आप देखिए महाराष्ट्र के अंदर आपको मिलेगी और महाराष्ट्र में 222 सीट्स 25 कॉलेजेस के अंदर रिवर्ट हुई है। क्लियर, और ये लास्ट स्लाइड है जिसको आप देख सकते हैं कि कितनी सीट्स हैं। तो टोटल सीट्स जितनी भी गई हैं वो सारी की सारी स्टेट अथॉरिटी की जिम्मेदारी है उनके ऊपर काउंसलिंग कराने की। अब मैंने आपको याद हो तो मैंने एक बात बोली थी कि यार जब आपका कंफर्म सिलेक्शन स्टेट से होता है तो मैंने कहा था स्टूडेंट्स को कि आप सेकंड राउंड काउंसलिंग को अटेंड ना करें, सेकंड राउंड काउंसलिंग को अटेंड ना करें, राउंड वन से फ्री एग्जिट ले लें और अपने स्टेट के अंदर जाकर के अपनी सीट को बुक कर लीजिए, जिससे कि जो स्टेट्स जिनकी कट ऑफ बहुत हाई जाती है उनको ऑल इंडिया से कॉलेज मिलने का नसीब हो जाता, जैसे कि हरियाणा, बिहार, राजस्थान, केरला, इनका कट ऑफ जो है वो बहुत हाई जाता है। तो अगर आप इन कैंडिडेट की मदद कर सकते थे यहां से बिलोंग करने वाले स्टूडेंट्स की, कैसे कि अगर आपको पता था कि स्टेट के अंदर मुझे इजीली कॉलेज मिल जाएगा तो फिर आप राउंड टू को क्या नहीं करते, ज्वाइन नहीं करते। अब आपने राउंड टू ज्वाइन किया, स्टेट में भी कंफर्म्ड है और आपने राउंड टू ज्वाइन करके और वहां की सीट्स को क्या कर दिया है, छोड़ दिया है, तो छोड़ने के बाद वो सीट कहां गई, आप ही के स्टेट में ट्रांसफर हुई है। यस और नो? तो कहने का मतलब यह है कि अगर मान लो कि राजस्थान का कैंडिडेट जो है वो अगर मान लो केरला जा सकता था या केरला वाला राजस्थान में आ सकते थे, ऑल इंडिया की सीट को ले सकते थे। तो इस तरीके से छोटी छोटी बारीकियां, छोटी छोटी चीजें काउंसलिंग से रिगार्डेड जो होती है वो हम आपको हमेशा देते रहते हैं, आप उनको फॉलो करिए और जहां तक हो सके लोगों का भला करिए। इस टेक्निकली जो इस चीज को जो बोला जाता है उससे किसी ना किसी का तो भला होता ही है, चाहे वो आपका हो चाहे किसी और का हो, किसी भी वे के अंदर सबका प्रॉफिट होना चाहिए। ओके, सेकेंडली एक बात और है कि मॉपअप राउंड से रिलेटेड जो बातें हैं, मॉपअप राउंड काउंसलिंग के अंदर एम्स के अंदर कितने चांसेस बनेंगे, मॉपअप का स्टेट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये सारी बातें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको आप लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए न्यू वीडियो का। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।